गया कॉन्कर्ड हरदुंगला, अभी और एक कॉन्कर्ड करना है वह उमरिंगला पास, इसी ट्रिप में करेंगे। और देखो कितने सारे कैमल डबल हैम्प, दोनों कूज हैं इन लोगों के पास, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट है बहुत, छोटे वाले तो बहुत क्यूट है। गाइज अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूँ, ये है डिस्किट का पेट्रोल पम्प, शायद नया बना है, दिख के ही लग रहा है, मगर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। सारा कुछ पैकिंग हो चुका है और धूप भी खिल चुका है, बहुत अच्छा धूप आ चुका है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हैं। मुझे चाहिए था कि 8 बजे मैं निकल जाऊं क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदारी भी करना है, और ख़रीदारी इन द सेंस मुझे डिस्किट जाके फिर से कैंपिंग करना है। कैंपिंग का किराया मेरे सर से गया नहीं अभी तक। जब तक मैं लद्दाख में रहूँगा, जहाँ जहाँ मुझे कैंपिंग करने का मौका मिलेगा मैं वहीं वहीं पर कैंपिंग करूँगा। तो बात यही है, खाने पीने का सामान थोड़ा कम हो गया है तो मार्केट से जाते हुए कुछ खरीदते उसके बाद जाएंगे। और जो मैं परमिट बनवाया था उसका PDF सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, हार्ड कॉपी एक कॉपी है, तो हार्ड कॉपी और दो दिन बना लेते हैं, क्योंकि अगर वो लोग रख देते हैं तब तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा, तो एक्स्ट्रा बैकअप रखना पड़ता है। और यहाँ पर आप एक देख सकते हो, ये हेलमेट पहन पहन के ना यहाँ पर थोड़ा दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने ये टेप लगा लिया। ये जापान से लाया था, ये यहाँ पे पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, ये इसमें दवाई रहता है, अब बस चिपका दो 12 घंटे के में ये दर्द कम कर देगा। तो बात यही है, अभी सामान सारा कुछ नीचे जा चुका है बाइक में, और मेरा ये जो पहनने वाला सामान है और ये मेरा जैकेट, ये पहनूंगा और सीधा खरदुंगला। मुझे इतना खुशी हो रहा है ना बोलने में, मैं खरदुंगला जा रहा हूँ, मतलब माइटी ऑल माइटी खरदुंगला, वो ड्रीम मेरा पूरा होने वाला है, जो पिछले था, मतलब पहले था वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि अभी नहीं है, अभी ये चेंज हो चुका है, अभी इसका खिताब मिल चुका है इंडिया में ही उमरिंगला को। उमरिंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी जाने हैं, वो भी जाने का प्लान है, सीरीज में आगे बने रहो, वो व्लॉग भी आएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं, बहुत देर हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से, सीधे जाएंगे खरदुंगला, फोटोशूट करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद वहाँ से जाएंगे हुंदर, रास्ते में चलते चलते बताएंगे। चलो बाइक पे मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। वो देखो शांति स्तूपा, यहाँ से कितना नज़ारा आ रहा है, डोम टाइप स्ट्रक्चर, और ये पूरा ले सिटी दिख रहा है यहाँ से। भाई मैं आगे देखता हूँ, नहीं तो यहाँ से गिरूँगा ना, सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। इस तरफ भी है दिख रहा है, और थोड़ा उस तरफ जाएंगे तो पूरा दिखता है। तो गाइज मैं आपको थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, जैसे मैं पहले बताया था, पहले आएगा साउथ पुलू, उसके बाद आएगा नॉर्थ पुलू, उसके बाद आएगा खरदुंगला, ये सही नहीं है, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। पहले आएगा साउथ पुलू, उसके बाद आएगा खरदुंगला टॉप, देन उसके बाद जब नीचे उतरेंगे तब आएगा नॉर्थ पुलू, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा पता नहीं था। और ये रास्ता देखो कितना अमेजिंग लग रहा है यार, ये जगह देखो पूरा ऐसे 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 पूरा लग रहा है कि बड़ा एनाकोंडा आ रहा है। दो साइड पे रेत है ना, और बीच में से वो एकदम पीच का रास्ता, लग रहा है कोई एनाकोंडा है सोया हुआ है। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे सब खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक दुकान भी है छोटा सा, चलो थोड़ा रुकते हैं कि फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो मैं खरदुंगला के टॉप की तरफ जा ही रहा था, साउथ पुलू से थोड़ा ही सा ही आगे हूँ, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट ये, यहाँ से ले सिटी का पूरा एकदम नज़ारा मिलता है आप लोगों को, यहाँ से बहुत लोग फोटो खींचा रहे थे। तो मैं इन लोगों को पहले मिलवा देता हूँ। सर आपका नाम थोड़ा है? राज, राजकुमार राज, मैं BITs हूँ। ये दोस्ती मिल गया, अभी एक ही जगह का रहने वाला हूँ, और दुनिया कितना छोटा है वो पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे आ गए, एक ही जगह का एक ही एरिया का रहने वाला सब मिल गए। ये सर और मैडम ये गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं,
खारदुंगला घूमने के लिए आए हैं, तुतुक तक जाएंगे। और मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे पीछे आप ही थे ना, पीछे आ रहे थे, तो मैं सोचा मैं स्लो चल रहा हूँ, इन लोगों को छोड़ देता हूँ, तो मैं हमको पास दिया, तो ये सर ने मुझे थम्स अप दिखाए थे। तो मैं जब यहाँ पे आया पता चला कि ये मेरे ही जो हम पे रहता हूँ, मतलब उसके अगल बगल 10 किलोमीटर भी नहीं, 5 किलोमीटर के रेडियस में ये भी रहते हैं। तो मतलब खारदुंगला टॉप पे आके इन दोनों से मुलाकात हो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तो रूट पे मिलते ही रहेंगे, बस मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे यार जैम लग गया, तो वो देखो जेसीबी काम कर रहा है, 2 जेसीबी लगा हुआ है। जो रास्ता दिख रहे हो ना वैसे सेम काम वहाँ पे चल रहा है, शायद रास्ता को चौड़ा बनाने का काम चल रहा है। ये बहुत ही संकरा है तो इसको शायद 2 लेन बनाएगा अभी, मतलब 2 गाड़ियाँ एक साथ आराम से पास हो सके वैसा कुछ बनाएगा। तो ये सब कुछ खोरेद खोरेद के काट रहे हैं, वहाँ भी जेसीबी से वही काम चल रहा है। कितने बाइकर्स आ चुके हैं देखो, कितने गाड़ी। अरे यार चलो आगे तक जाते हैं। Okay, hello. Hi, how are you? Good. Where are you from? Where are you from, sir? Australia. Australia, wow, nice. Tasmania. How are you liking this? Are you liking the Himalayas? Yes, good so far. Okay. Almost 30-35 minutes ke baad hum log yahan se nikal rahe hain. Okay, thank you, thank you. देखो अभी बाइक एक साथ कितने जाएंगे। ये वही हिमालयन ग्रुप है जो फॉरेनर्स वाला है। तो हम पहुंच गए चेक पोस्ट पे, यहाँ पे चेकिंग होगा बाइक का। तो गाइस मेरा यहाँ से परमिट दिखाना हो गया, मैं सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी लेके गया था, मगर उन लोगों को सॉफ्ट कॉपी दिखाया था तो सॉफ्ट कॉपी से काम हो गया। और एक चीज़ का खासा ध्यान रखना, यहाँ पे कोई आपको परमिट के लिए पूछेगा नहीं, मतलब रोक के आपको पूछेगा नहीं कि परमिट दिखाओ। आपको यहाँ ऊपर जाके परमिट दिखा के नाम एंट्री करवा के उसके बाद आना पड़ता है। आपका ज़्यादा कुछ नहीं, आपका नाम वो जो ऊपर दिख रहे हो वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। हाँ हाँ किया सर, किया सर। तो वहाँ पे जाके एंट्री करवाना होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर नहीं किया तो आप बाद में बहुत मुसीबत हो सकता है, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। चाबी कहाँ रख दिया? ये देखो रास्ते पे काम चल रहा है, पूरा पिच बना रहे हैं। और नहीं तो ये जगह पूरा ऑफ रोड था, और साउथ पुलू के बाद से अभी तक रास्ता पूरा एकदम चकाचक प्लेन मिला है। और ये जगह जो रोड ऑफ रोड था वो भी अभी पिच का बना दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगले साल आप जब आओगे यहाँ पे तो और आपको कहीं भी ऑफ रोड नहीं मिलने वाला, पूरा ही आपको एकदम टारमैक कोल का रोड मिलेगा पीच वाला। वाह देखो पूरा नया नया रास्ता बना है यार, क्या सॉलिड है। पहुँच गया खारदुंगला, यस। हाँ यहाँ पे कितना भीड़ है यार, सारे लोग फोटो खिंचाने में बिजी है। खारदुंगला खारदुंगला द माइटी खारदुंगला। ओके ओके यस कॉन्कर्ड खारदुंगला। तो गाइस पहुँच चुके हैं खारदुंगला, खारदुंगला टॉप। बहुत खुशी हो रहा है, हालांकि ये हाईएस्ट मोटरेबल लोड अभी नहीं रहा, मगर बहुत ऊंचाई पे है, करीब 18,000 फीट के ऊपर है। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा बाइक और वो रहा। सभी लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फोटो लेना बहुत मुश्किल है, वैसे अभी पब्लिक थोड़ा ही कम है। वैसे इसका हाइट में आपको बता दूँ लगभग 18,000 फीट है, 17,982 फीट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। हो गया कॉन्कर्ड खारदुंगला, अभी और एक कॉन्कर्ड करना है कोयमुंगला पास, इसी ट्रिप में करेंगे। तो यहाँ से कुछ फोटोशूट हो जाए। माइटी खारदुंगला को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, अब हम चल रहे हैं डिस्किट की तरफ, डिस्किट उसके बाद आएगा हुंदर। चलो बाय बाय खारदुंगला, गुड बाय, फिर से आएंगे।
ये देखो जगह जगह बर्फ जम चुका है। वैसे रास्ता की हाल थोड़ा बता दूँ, रास्ता बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे खारदुंगला से आप उतरते हो आप, उसके बाद 3-4 किलोमीटर 3.5 से 4 किलोमीटर आपको ऑफ रोड मिलने वाला है। उसके बाद जो रास्ता स्टार्ट होगा ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैच आपको मिलेगा, बाकी एकदम प्लेन एकदम टैरमार्क ऐसा ऐसा रोड है पूरा नीचे तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बिंदास आप चला सकते हो। लो जी हम पहुँच गए नॉर्थ पुल्लो, और ये है नॉर्थ पुल्लो विलेज, छोटा सा विलेज है, कुछ खाने पीने का मिल जाए बस, भूख लग गया है। अभी खड़ा हूँ नॉर्थ पुल्लो में, वहाँ से आप आते हो वो जगह, वहाँ से घूम के ये है नॉर्थ पुल्लो का एरिया, ये सारा जगह नॉर्थ पुल्लो का एरिया। ये दुकान पे बैठ के मैं मैगी और चाय पी लिया, बहुत सर चकरा रहा था एक तो, और दूसरा सुबह कुछ खा के नहीं आया था तो सोचा कि एक चाय और मैगी हो जाए, छोटा मोटा ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा हुआ। और अब यहाँ से और भी 70 किलोमीटर है डिस्किट, तो डिस्किट में जाएंगे, डिस्किट में जाने के बाद जो मॉनेस्ट्री है उसको विजिट करेंगे, फिर जगह हुंदर में रुकेंगे, और कल सुबह का जर्नी सुबह बताएंगे आपको। चलो पहले निकलते हैं यहाँ से और बाकी ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो ये था नॉर्थ पुल्लो का चेक पोस्ट, ये वाला अब देख लो। और जब आप नॉर्थ पुल्लो जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वहाँ से जब निकलोगे तो आपको ये चेक पोस्ट पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपका गाड़ी का नाम, नंबर, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ देना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है, भूल मत जाना, क्योंकि ये लोग आपको पकड़ के बोलने नहीं वाले कि आ जाओ एंट्री करके जाओ, आप कहीं भी चेक पोस्ट देखना तो रुक जाना, एक बार पूछ लेना कि सर जी एंट्री कराना है या नहीं, क्या करना है, कुछ दिखाना है या नहीं, क्योंकि वो लोग पूछते नहीं है इतना कि एंट्री कराओ। तो हम पहुँच गए हैं खारदुंग विलेज, ये जो विलेज आप देख रहे हो इसका नाम है खारदुंग विलेज, विलेज खारदुंग, ऑल्टीट्यूड 14,730 फीट, करीब करीब 15,000 फीट पे है हम लोग। चलो इसको बाय बाय करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि हमें तो रुकना है डिस्किट, मुझे कुछ ख़रीदना भी है कैंपिंग के लिए, आज मुझे हुंदर में कैंपिंग करना है, मतलब कैंपिंग का पूरा मज़ा मैं इस ट्रिप में ले रहा हूँ। मैं कोई भी जगह मुझे मिलेगा ना कैंपिंग का मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप आते आते ऐसे एक जगह पे मोड़ में पहुँचते हो जहाँ पे ये लिखा है नुबड़ा वैली नीचे की तरफ है, डिस्किट हुंदर सब नीचे की तरफ है, यहाँ से शौक वैली आगाम शौक वाला जो रास्ता है वहाँ देखो आगाम लिखा है, शक्ति सारा कुछ इधर से है, इधर से आप पेंगोंग जा सकते हो। ओके पहुँच गए हैं गांव में, ये कौन सा गांव है दिखते पड़ेगा, यही कल्चर है क्या आंटी जी, ये कौन सा जगह है, खलसर विलेज है ना, डिस्किट आगे आएगा ना, अच्छा हाँ सही मसला था मैंने, ये खलसर विलेज है, खलसर विलेज जो कि मैंने पहले देखा था 3 किलोमीटर, ये वही है खलसर विलेज, बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है, बहुत लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। चलो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे डिस्किट की तरफ, हम डिस्किट में रुकेंगे। क्या नज़ारा है यार, क्लाउड्स देखो, पहाड़ देखो यहाँ पे, वाह यहाँ पे तक फोटो बनता है। अच्छा डिस्किट 17 किलोमीटर, सुमुर 17 किलोमीटर, पनामिक 40 किलोमीटर, और यहाँ पे रह के मैं फ़ोटो तो खींचूँगा। यहाँ पे रुका था, कितना सुंदर जगह है, यहाँ पे मुझे रुकना ही पड़ा, यहाँ पे एटीवी राइड होता है, मुझे चार्जेस नहीं पता। वेलकम टू ड्यून वैली एडवेंचर, यहाँ पे आप एटीवी राइड कर सकते हो, शायद इसके अंदर होता है। और ये है डिस्किट 17 किलोमीटर सुमुर, 17 किलोमीटर पनामिक, 40 किलोमीटर, तो डिस्किट मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो शूट किया अपने बाइक के साथ इन पहाड़ों के साथ, तो आप लोगों को अगर ये सब फ़ोटो देखना है प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा अच्छा फ़ोटोज़ खींचा हूँ मैं ये पूरे सीरीज़ में, और आगे भी खींचता रहूँगा, आपको दिखाऊँगा सब कुछ, आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना फेसबुक और इंस्टाग्राम में, आप ये सारा फ़ोटोज़ देख पाओगे। वैसे अभी तक बहुत सारे फ़ोटोज़ मैं खींच चुका हूँ और बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए हैं। तो चलो फोटो सेशन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे है
एक चौड़ाई जहाँ पे बिस्किट हुंदर प्रतापपुर थोई से इस तरफ एक खालसर नॉर्थ पुल्लू खरदुंगला टॉप ले मतलब इस तरफ नहीं जाना, मुझे इस तरफ जाना है तो इधर से मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक लास्ट पेट्रोल पंप भी है, आप अगर आपके पास बाई चांस पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से आप भर सकते हो। पहुँच गए बिस्किट, पहुँच गए। तो हम जा रहे हैं दीक्षित मॉनेस्ट्री पे। तो ये रहा मॉनेस्ट्री और ये रहा एंट्रेंस का गेट, चलो अंदर जाते हैं। हाँ सर, कितना है? कितना? 40। हाँ एक ही है सर, ड्रोन नहीं उड़ा सकते? ड्रोन नहीं, वो बैन हो गया अभी। अच्छा अच्छा, पहले तो उड़ा सकते थे ना। हाँ, बैड लक, क्या कर सकते हैं, देश का सुरक्षा आगे। थैंक यू। गाड़ी कहाँ पार्क करना है? ऊपर 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 जगह है ना? ठीक है जी। ओके, गाड़ी को यहीं पार्क कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं। फिलहाल मैं हूँ दीक्षित मॉनेस्ट्री के जो सबसे बड़े एक बौद्ध जी की मूर्ति है बिल्कुल मेरे पीछे, और ये जो मूर्ति है करीब 100 फीट तक लंबा है ये, और ये मूर्ति एकदम पाकिस्तान की तरफ मुंह किया हुआ है, और इसके बगल में जो नदी बह रही है वो है इंडस रिवर, और काफ़ी खूबसूरत है यार। काश काश मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा पाता, फिर भी 2020 या 2019 में जो लोग आए थे उन लोग ड्रोन उड़ा पाए थे, तब अलाउड था, अभी नॉट अलाउड कर दिया, एकदम रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। तब भी ड्रोन उड़ाने के टाइम आपको 500 रुपये देना पड़ता था, मैं किसी किसी व्लॉग में देखा हूँ। बैड लक, क्या करें। इस मूर्ति को अभी करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं हुंदर की तरफ। यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। पहले जिसकी से कुछ खरीद लेते हैं, मतलब मुझे कैंपिंग करने के लिए कुछ खाना पीना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो पहले वो ख़रीद लेते हैं बिस्किट से, उसके बाद हुंदर की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, ये है बिस्किट का पेट्रोल पंप, शायद नया बना है, दिख के ही लग रहा है, मगर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, वहाँ पे सब भरा रहे पेट्रोल। बिस्किट में ये पेट्रोल पंप है, आपको नुब्रा में मिलेगा, बिस्किट में भी पेट्रोल पंप अभी मिल जाएगा। आप यहाँ से वहाँ से पेट्रोल लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आके पेट्रोल भर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, बिस्किट एक अच्छा खासा विलेज है, मतलब बहुत ही मतलब बहुत कुछ है, होम स्टे अवेलेबल है ही, और इस रास्ते के ऊपर देखो कितने दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, दुकानें हैं, सोवेनियर्स की दुकान है, आगे चल के और भी दुकान मिलेगा। मैं एक चीज़ खोज रहा था तो एक चीज़ मिला है और एक चीज़ नहीं मिला, बोला आगे मिलेगा, तो आगे जाके वो लेंगे, और अभी आपको नहीं बताएंगे क्या लेने वाले हैं, आपको बाद में बताएंगे जब कैंपिंग करेंगे, तभी, अभी नहीं। चलो, तो थोड़ा आगे जो मिलना मतलब चाहिए था मुझे, देखते हैं वो लेते हैं, उसके बाद हुंदर में जाते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर है, उन्होंने बोला एक दुकानदार जिनसे मैं लिया, उनको पूछा था, तो अभी 7 किलोमीटर आगे चलते हैं और चल के एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं, बस उसके बाद करेंगे कैंपिंग। तो बिस्किट से मैं निकल गया अभी, और मुझे जो चाहिए था वो भी मिल गया, मुझे दोनों चीज़ें मिल गए। अब जाना है आगे हुंदर, वो देखो हुंदर थोई से चालुंखा, हुंदर है 7 किलोमीटर, थोई से 22, चालुंखा 74 किलोमीटर। ये देखो डबल हेम कैमल, वाह, हाँ यहाँ पर तो रुकना बनता है। तो ये रहे यहाँ के ब्यूटी डबल हैम कैमल्स। और गाइस सच बताओ तो ना, ये सब देख के भी बिलीव नहीं होता, मतलब खुद की आंखों से देख रहा हूँ फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है। पहाड़ पहाड़ पहाड़, चारों ओर पहाड़, बीच में पूरा रेगिस्तान जैसा है, वाइट जो सैंड होता है,
उसका, ये देखो पूरा सैंडी उन्स है। ये सब देख के बिलीव नहीं होता कि इतना पहाड़ों के बीच, इतना ऊंचाई पे, इतना बड़ा रेगिस्तान जैसा है। सच में बहुत ब्यूटीफुल है हमारा भारत। और देखो कितने सारे कैमल डबल हैम्प, दोनों कूज हैं इन लोगों के पास। कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट है बहुत। छोटे वाले तो बहुत क्यूट है। चलो अब थोड़ा एक कैंपिंग का लोकेशन ढूंढे ढूंढा जाए पहले, बाकी अरे भाव साहब तो रेत में चला गया मेरा बाइक। हाँ निकल गया। From up here, the world seems small.